नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल फ्लेवर्स बाय सुश में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में मैंगो मिल्क पुडिंग। इसके लिए हमने यहाँ पर लिए 300 ग्राम मैंगोज। ये दो मैंगोज हैं, इनको छील करके इनकी प्योरी बना लेंगे। देखिए, हमने ये मैंगो प्योरी बना ली, इसको एक किनारे रख देंगे। अब हम कस्टर्ड बनाने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पर हमने लिया वनीला, आप चाहें तो मैंगो अगर मिल जाए तो मैंगो कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं। और ये है 1/4 कप मिल्क पाउडर। अब यहाँ पर हमने दूध लिया है 1/3 कप। इसको धीरे धीरे मिक्स करके घोल बना लेंगे। कस्टर्ड पाउडर देखिए अच्छे से घुल गया है। यहाँ पर दूध हम रूम टेम्परेचर वाले ही लेंगे। कस्टर्ड बनाने के लिए हमने यहाँ पर दूध चढ़ाया है 750 ग्राम और इसको मीडियम हीट पर गर्म करेंगे। दूध बॉयल होने लगा है, अब हम यहाँ पर डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर का घोल और तुरंत ही लगातार चलाते जाएंगे। यहाँ पर हम लगातार आज धीमी रखेंगे और लगातार चलाएंगे स्क्रैप करते हुए, जिससे कि नीचे दूध में चिपके ना। इसी समय एक चीनी डाल देंगे, ये 1/3 कप है। अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आधा कप भी डाल सकते हैं। ये देखिए 3-4 मिनट से अच्छे से पक रहा है और हल्के हल्के बुलबुले भी इसमें आने लगे हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा करेंगे। अब हम यहाँ पर बनाएंगे मैंगो जेली। इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है बाजार का 150 ml मैंगो जूस, 1 TSP अगार अगार पाउडर, 1 tablespoon चीनी। इसको पहले मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अगार अगार पाउडर है, ये जिलेटिन का वेजिटेरियन सब्स्टिट्यूट है। आप आराम से इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर गैस ऑन करके इसको धीमी आंच पर पकाएंगे उबलने तक। देखिए जेली का मिक्सचर कितने अच्छे से बॉयल हो रहा है। अब हम तुरंत गैस बंद कर देंगे, इसको हल्का ठंडा करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके का कंटेनर ले लिया है, उसमें ये प्लास्टिक रैप लगा देंगे, जिससे ये जेली आसानी से सेट होकर निकल आएगी। अब इसको रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। ये जेली देखिए हमारी कितनी बढ़िया सेट हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये कितना शानदार दिख रहा है। कस्टर्ड देखिए हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इसमें मिक्स कर देंगे ये मैंगो प्योरी। क्योंकि मैंगो में अपना खट्टापन होता है, इसलिए उसको मिठास लाने के लिए यहाँ पर हम 1/3 कप डाल रहे हैं शुगर। शुगर आप अपने स्वादानुसार रखें। आधा छोटी चम्मच नींबू का रस डालेंगे टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। पुडिंग अपनी अरेंज करने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले लगाएंगे बिस्किट। बिस्किट आप मनचाहे ले सकते हैं, हम यहाँ पर ले रहे हैं पार्ले जी। अब इस पर डाल देंगे अपना मैंगो कस्टर्ड। अब इसको हम रख देंगे फ्रिज में 30 मिनट के लिए सेट होने के लिए। ये देखिए मैंगो कस्टर्ड हमारा फ्रिज में था आधे घंटे से। अब हम इसको निकाल कर ऊपर से सजावट करेंगे, लगाएंगे थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम। थोड़ा सा ये पिस्ता पाउडर इस पे स्प्रिंकल कर देंगे और ज्यादा खूबसूरती बढ़ाएगा इसकी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये तैयार हो गया मेरी शानदार मैंगो पुडिंग विद मैंगो जेली। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर आऊंगी एक नई रेसिपी लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।